अभी मैं आपको नपुंसकत्व, साइकोजेनिक इंपोर्टेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके बारे में बताने वाला। एक लड़का मेरे चैम्बर में रात को 8:30-9 बजे वो तो डरते आए, बोले मैं आपको मतलब मिलना चाहता था, काफी दिन से 2-4 दिन से मैं चक्रा काट रहा हूँ, अभी आज मिल रहा हूँ। तो पूछा क्या हुआ, बोले मेरी शादी 1 महीना पहले हुई और अभी तक मैं एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, संभोग करने में, समागम करने में एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है बैठो, उसको बिठाया, उसे पूरी जानकारी ले ली और जानकारी लेके जब तपास लिया, मुझे पता लगा कि भाई इसमें कोई शारीरिक कोई इसमें कमी नहीं है। जो कमी थी मतलब जो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इरेक्शन नहीं हो रहा था, शिश्न में ताकतता नहीं आ रही थी, मैंने टेंशन नहीं आ रहा था, उसकी वजह उसका दिमाग है। तो उसको तपास के उसको मैंने काउंसिलिंग किया, तो उसके बारे में आपको बताता हूं कि भाई ये है क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोर्टेंस या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या नपुंसकत्व, इनको शिश्न में टेंशन नहीं आता है ना, तो उसको नपुंसकत्व बोलते, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस बोलते। 40 साल के पहले यदि वो वैसा होता है पहली बार, 40 साल के पहले, उम्र के 40 साल के पहले, तो वो दिमाग के मतलब सोच की वजह से या मन की वजह से हो सकता है। पूरे 40 साल के बाद में यदि कोई मेरे पास व्यक्ति आता है तो मैंने ये देखना चाहिए कि भाई ये जो नपुंसकत्व उसको आया हुआ है, इसका कोई शारीरिक मतलब बदन को कोई कारण है। मतलब 40 साल के पहले होता है तो मन का कारण, मोटा मोटा सा हिसाब मैं आपको देता हूं, और 40 साल के बाद में यदि होता है तो शरीर का। अभी मन के कारण क्या होते, जिसकी वजह से उसको शिश्न में टेंशन नहीं आता, इसमें क्या कारण हो सकते। तो एक तो होता है कि जैसा पहले नाइट में वो अनसक्सेसफुल हुआ करके उसको टेंशन आ गया, तो पहला नाइट में अनसक्सेसफुल होना, फिर मास्टरबेशन की आदत है, हस्तमैथुन की आदत है और वो आदत से उसको दिमाग में पक्का बैठा है कि अपन कमजोर हुए हैं, या सपने में उसका मतलब सपनावस्था हो रही है और वेट ड्रीम्स उसको आ रहे हैं और उसके वजह से उसको नपुंसकत्व आ सकता है, या फिर वो कहीं वेश्या के पास में जाता है और वहां जाने के बाद में टेंशन की वजह से, दिमाग में तनाव आने की वजह से वो कर नहीं पाता और उसको वो कुछ तो भी कॉमेंट पास कर देती है कि तू आदमी में नहीं है, और फिर वहां से उसको दिमाग में टेंशन आता है। तो ऐसे कुछ दिमाग में टेंशन आने की वजह से या एक आधी बार कहीं कॉन्टेक्ट आया वहां फिर होने की वजह से, फिर उसको ये हो जाता कि नहीं अपन अभी काम के नहीं रहे और अपन अभी खुद पुरुष नहीं है या मैं आदमी में नहीं हूं, ऐसा उसको एक बार दिमाग में आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि सेक्स करने के समय यदि बच्चे एक ही कमरे में सोए और सेक्स करने के समय कोई बच्चा उठ गया, उसको एकदम दिमाग में आता है और वो उसका टेंशन निकल जाता है और वहां से उसको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर वैसे ही सेक्स करने के समय बाहर से कोई अंदर आया, घंटी बज गई, उठना पड़ा, या काफी लोगों के घर में प्राइवेसी नहीं रहती, एक ही कमरे में बीच में पर्दा रहता है और वो सेक्स करते हैं और उसमें फिर बच्चे उठ जाते हैं या फिर मतलब माँ बाप रहते हैं घर में वो उठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी होने के कारण उनको अलग होना पड़ता है और उसकी वजह से भी फिर बाद में सेक्स में मतलब होता नहीं है और टेंशन आता नहीं। तो ऐसे काफी सारे कारण है मानसिक रूप से कि जो जिसकी वजह से दिमाग में मतलब ऐसा घुस जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि अभी अपन काम के नहीं रहे और फिर वहां से वो विशेष साइकिल में आया था कि अभी मैं इतना पुरुष में नहीं हूं, मैंने पौरुषत्व खत्म कर दिया है, फिर वो औरत के पास में जाता है और वो टेंशन लेके जब जाता है तो वहां फेल होता है, फेल होने के बाद में फिर उसका पूरा विश्वास जाता है कि अभी मैं आदमी में नहीं, मतलब ऐसा वो विशेष साइकिल में चले जाता है। तो ये 40 साल के पहले की मतलब अवस्था है। 40 साल के बाद में जो लोग आते हैं पहली बार, उनमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी हो जाए, मतलब जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर रहता है, दिमाग में जो ग्रंथि रहती है उसका ट्यूमर है, या उनको कोई डायबिटीज हुआ है, या रीढ़ की हड्डी में कुछ बीमारी हुई है, शुगर की बीमारी, जैसे मैंने डायबिटीज होना शुगर की बीमारी होती है, काफी शुगर बढ़ी हुई उसकी वजह से जो है वो टेंशन नहीं आता है, फिर ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो होता है, या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से भी नपुंसकत्व आ सकता है। नपुंसकत्व जो आता है वो मतलब जो टेंशन आता है शिश्न में वो आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ।
उसमें होता क्या है कि जैसा दिमाग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब आता है दिमाग में, मन में, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आने के बाद में यहां से जो नर्व जाती है और वो शिश्न की तरफ जाती है, वहां भी उसको एक्साइटमेंट आता है। और वहां होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है तो वो ब्लड वेसल काफी फुल जाती है। ब्लड वेसल फुलने के बाद में कम से कम आधा पाव से लेके एक पाव सुन शिश्न में प्रवेश करता है, उसमें एंट्री लेता है और वो बड़ा हो जाता है शिश्न। आधा पाव से एक पाव मतलब 150 ml से लेकर 250 ml तक मतलब उसमें खून अंदर घुसता है और बड़ा हो जाता है। अभी दिमाग में टेंशन है तो स्टिमुलेशन पीछे से जाएगा नहीं, या फिर मतलब जो खून की जो नलिका है उसमें कोई वो आकुंचन उसने पाया हुआ है या छूटी हुई है तो उसकी वजह से खून जाएगा नहीं शिश्न में और वहां से फिर उसको टेंशन आएगा नहीं, या फिर पीठ के हड्डी में मतलब कोई रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से फिर खून जा नहीं रहा है, या नर्व्स को मतलब नर्व्स को स्टिमुलेशन पास ऑन नहीं करती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे अनेक मतलब काफी कारण है कि बदन की मतलब बीमारी से उसकी वजह से तो वो फिर टेंशन आना बंद हो जाता है। आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी ताकि लोग फंसे नहीं, क्योंकि इसमें आयुर्वेद यूनानी इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत महंगे महंगे मलम है ना, पलंग तोड़ पान, काफी सारी दवाइयां 100-100 रुपए 150-150 रुपए की एक गोली ऐसी बेची जाती है। तो मैं जो अभी बात किया तो इसका वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर काफी सारी जानकारी मैंने दी है उसको भी आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।